मंदिर घूमना है और लेक देखना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। पहले ही रुक रहे हैं, होटल अतुल रेसिडेंसी है। लास्ट ब्लॉग में हम लोग नारकंडा पहुंचे थे और घूम घाम कर आज रात इसी होटल में हम लोग स्टे करेंगे और सुबह सुबह उठकर हाटू माता के दर्शन के लिए जाएंगे। इस होटल में 1600 से 3000 तक के रूम्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे तो हाटू माता मंदिर के आसपास भी होम स्टे हैं, लेकिन रास्ता बहुत स्टीफ है, तो इस वजह से हम लोग यही मेन रोड पर ही रहना सही समझे। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हमें पहुँचने में, तो इसलिए हमें ये होटल दिखा और सबसे सही लगा, तो हमने बुक कर लिया। होटल बाहर से कैसा है, रिसेप्शन और रेस्टोरेंट तो मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि यहाँ का रूम्स कैसा है। आसपास के जो लोकल लोग हैं वो भी मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, सो वो भी यही रूम बुक करना सही समझे, तो हमें भी लगा कि हमने सही जगह ही रूम लिया है। तो ये है हमारा रूम, टीवी वगैरह भी यहाँ लगने लगा है, अभी तक ऊपर हमें टीवी वगैरह नहीं दिख रहा था। और ये है वॉशरूम, गीजर है, बेसिन भी थोड़ा नया मॉडल का किया है, अच्छा ही है, साइज भी बड़ा वॉशरूम। और इधर कबर्ड वगैरह दिया है। कश्मीरी आलू दम है कि पालक, वो कश्मीरी आलू, कश्मीरी आलू दम वाला नहीं मिला। जैसे ही होटल के मैनेजर को पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो वो खुद से सर्व करने आ गए और हमें मतलब डिस्काउंट भी दिया थोड़ा बहुत। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी कह सकते हैं मेरे नाम पर डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग फ्रेश होकर रेडी हुए, खाना भी रेडी हो गया और खाना काफ़ी टेस्टी था, सो आप भी आकर यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और देख कर ही लग रहा है काफ़ी अच्छा है। हम लोग खाना वाना खाकर जल्दी सो जाने वाले हैं, ये लोग शायद टीवी या मोबाइल अपना यूज़ करें, सो यहाँ वाईफाई भी है, इसकी भी दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी सोऊंगी क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी उठना है, उठकर फिर मंदिर के लिए जाना है, दर्शन करके फिर हम लोग आगे जितना ज़्यादा हो कवर करके रखेंगे, क्योंकि स्पीति वैली ट्रिप हमारा काफ़ी लंबा है, तो पहले दिन से ही हम ज़्यादा ज़्यादा कवर करके रखेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए। ये होटल भी हमने पहले से बुक नहीं किया था, ऑन द स्पॉट ही बुक किया। स्पीति वैली के ट्रिप में हमने कहीं भी पहले से बुक नहीं किया, चाहे शिमला हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी होटल हो, हमने सब स्पॉट पर ही बुक किया। जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक हम लोग घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से एक दिन एटलीस्ट हमारा सेव हो गया। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग हाटू माता मंदिर और तानी जुब्बड़ लेक के लिए निकल चुके हैं। नारकंडा से हाटू माता मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है और शिमला से 61 किलोमीटर की दूरी पर घने पेड़ों के बीच बसा ये नारकंडा अपने खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है। मेन रोड से हम लोग साइड में जा रहे हैं जो हाटू माता मंदिर की तरफ जाता है। ये देख रहे हैं रास्ता कितना पतला है, अगर एक गाड़ी आ जाती है तो दूसरों को रुकना पड़ जाता है। नारकंडा के आसपास काफ़ी स्नोफॉल भी होती है, तो यहाँ जाड़े में भी एक बार ज़रूर आना है। स्नोफॉल के टाइम में यहाँ का व्यू एकदम से चेंज रहता है, अभी जो ग्रीनरी लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं उस समय पूरा सफ़ेद चादर से सब ढक जाते हैं। वैसे तो हाटू माता मंदिर में हमेशा ही भीड़ होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास के पहले रविवार को दर्शन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन माता को बेहद प्रिय होता है, बताया जाता है कि इसी दिन यहाँ माता को स्थापित किया गया था। हाटू माता मंदिर पहुँचने के लिए आप पिछला ब्लॉग भी ज़रूर देख लें, उसमें मैंने बताया था कि शिमला से नारकंडा कैसे आना है और यहाँ का लोकल विलेज भी दिखाया था। ये नीचे में कनेटी विलेज है, ये कनेटी विलेज नीचे में, विलेज इज मेनली फॉर एप्पल।
माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। वह हाटू माता की परम भक्त थी और अक्सर यहाँ माता के दर्शन के लिए आया करती थी। हाटू माँ मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर है। आइए, मंदिर भी बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। ये माता घाटू का मंदिर जो है वो घाटू पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मेन रोड जो NH5 है वहाँ से थाने रोड से होके आपको एंट्री करना है। नारकंडा मेन रोड से आप वहाँ से थाना रोड आएंगे और उसमें जब आगे चलते हैं तो 7 किलोमीटर की दूरी पर ये माता जी का मंदिर है। मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता भी काफी प्रचलित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय हाटू माता मंदिर में काफी समय बिताया था। पांडवों ने यहाँ माता की कठिन तपस्या करके विजय पाने का वरदान प्राप्त किया था। मंदिर के पास ही 3 बड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि यह भीम का चूल्हा है। आज भी खुदाई करने पर जला हुआ कोयला मिलता है। स्थानीय लोग इन कोयलों को इस बात का साक्षी मानते हैं कि पांडव इस जगह खाना बनाया करते थे। जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे पूजा शुरू हो गई थी, सो हमने भी पूजा में भाग लिया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग पूजा में इतना लीन हो गए कि ये हमें पता ही नहीं चला और हमें लगा भी कि नहीं अंदर फोटोग्राफी नहीं करना चाहिए, सो मंदिर आए हैं सो पूजा ही करना चाहिए। जून के समय यहाँ हाटू माता मंदिर के पास ही मेला भी लगता है, सो यहाँ देख रहे हैं अभी सुबह का समय है तो इसलिए सब बंद है, थोड़ी देर में शायद शुरू हो जाए। यहाँ से नारकंडा से हम लोग नेशनल हाईवे होके आए जो आपका थाना रोड है और ये थाना रोड सीधे जा रहा है। आगे देखिए हाटू माता क्षेत्र लिखा है, पधारने के लिए धन्यवाद। और यहाँ से ठीक ऊपर जब आप नारकंडा से आ रहे हैं तो लेफ्ट टर्न में ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, ये हाटू माता मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ से नियरली 5 किलोमीटर माता का स्थल है, आप जरूर विजिट कीजिए। आने के बाद नाश्ते के लिए भी जगह बने हुए हैं, आप यहाँ के नाश्ता कर सकते हैं। जब भी मंदिर जाना हो प्रयास कीजिए कि अर्ली निकलिए, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, जितनी देर करेंगे उतनी रस होगी। और ये जो रास्ता हाटू माता का है ये वन वे टाइप का रास्ता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी ओवरटेक वगैरह करने में। मंदिर से निकलते ही हमें काफी भूख लग गई और वैसे भी हम सबको सुबह सुबह खाने की आदत है और पूजा के बाद तो और ज्यादा भूख लग जाती है, सो हमें तुरंत खाना मिल गया। इसके बाद अब हम लोग तानी झुप्पड़ लेक के लिए जा रहे हैं। पानी में? हाँ, लेक में ये चारों तरफ ये ट्रीज दिखेंगे। थोड़ी देर में अब हम लोग तानी झुप्पड़ लेक पहुँचने वाले हैं। ये थानेदार से 4 किलोमीटर की दूरी पर और हाटू माता मंदिर से भी बिल्कुल पास ही है। तानी झुप्पड़ लेक का किनारा थानेदार में नाग देवता मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां कई भक्त नाग देवता की पूजा करते हैं। लेक के आसपास का एरिया एप्पल गार्डन के लिए भी काफी फेमस है, सो यहां देख रहे हैं एप्पल की खेती हो रही है। और ये जो लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं इसकी छाया आपको लेक में दिखती है, सो वो भी बहुत सुंदर लगता है। लेक के पास आप फोटोग्राफी जरूर करें, यहाँ पर फोटोज बहुत अच्छी आती हैं, मतलब सामने से जैसा लेक है उससे ज्यादा अच्छा आता है। झुप्पड़ लेक हाटू मंदिर के पास ही है और जैसा पिक्चर में दिखाता है उतना सुंदर नहीं है ये लेक, और ऐसे ठीक ही है, व्यू वगैरह अच्छा है, फोटो ले सकते हैं, आप आ सकते हैं क्योंकि पास में है तो दोनों स्पॉट आपका कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ हमने काफी सारे फोटोज लिए, रील्स बनाए, उसको देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।